हाँ भैया चलें सर, आपको ये पूछना जरूर चाहिए कि सर ऐसे आप उठपटांग से क्वेश्चन करा रहे हो जिन बच्चों का नॉन मैथ से, कि ये क्वेश्चन आएंगे कहाँ पे? तो बेटा एक बात सुन, पहले का जिन बच्चों ने इसको देख लिया और यहाँ पे अपन खत्म हुए थे, तो ये देख यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू डीए, ठीक ना? अब सर आप पहले ये हम उतार लेंगे आराम से, पहले आप इसका प्रैक्टिकल यूज बता दो हमको। अब मैं देखो बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज कैट में कैसे आता है और आईपीएम में कैसे आता है। बहुत सिंपल सी बात होती है बेटा, कुछ नहीं होता है। तुमको कैट और आईपीएम बोलते हैं, समझ लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, बट एक को बोल देते हैं कि ये ए बी सी है, बी डी परपेंडिकुलर टू सी है, इसको बोल देते हैं ये 5 है, ये 3 है, ये क्या है 5 है, ये 3 है, ये 5 है। बेटा किसका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लो,